नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राम कुशवाहा और आप देख रहे हैं आपका प्यारा YouTube चैनल नेचर्स लवर का हिंदी वर्जन। तो दोस्तों, आज का हमारा ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। ये देखिए, मेरा बहुत ही प्यारा और हार्डी कैक्टस जो कि आपके गार्डन में एक हार्डी लुक प्रोवाइड करता है, जो कि सेरेस रिपेंडस के नाम से जाना जाता है और इसे पेरुवियन एप्पल कैक्टस, क्वीन ऑफ द नाइट एंड हेज कैक्टस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेरेस रिपेंडस इज अ लार्ज कॉलमनर कैक्टस स्पीशीज दैट बिलोंग्स टू द फैमिली कैक्टेसी। इट इज ऑल्सो नोन बाई द कॉमन नेम्स ऑफ पेरुवियन एप्पल कैक्टस, क्वीन ऑफ द नाइट एंड हेज कैक्टस। तो चलिए, आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको इसकी कंप्लीट डिटेल्स शेयर करूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं समय न बर्बाद करते हुए। ये देखिए, देखने में कितना बेहतरीन और इसका पैटर्न देखिए कितना खूबसूरत है। और हालांकि जो कैक्टस है मेरा, इसमें 5 स्ट्रैप्स कह लीजिए या आप कॉलम कह लीजिए, पट्टियाँ, तो इसमें 5 पट्टी का मेरा ये कैक्टस देखने में बेहद खूबसूरत और अट्रैक्टिव है और मेरे गार्डन को ये बहुत ही हार्डी लुक देता है। मेरे इस पौधे की उम्र लगभग 3 साल से ऊपर की होगी और काफ़ी लंबे समय से ये पौधा मेरे साथ चल रहा है बिना किसी दिक्कत के। और इस पौधे को मैं फ्री में लेके आया था, क्योंकि एक बार मैं जब किसी विजिट पे गया था तो मुझे कहीं बाउंड्री पे लगा हुआ दिखा। हालांकि इसका मदर प्लांट काफ़ी बड़ा था और उस पर एक छोटा सा बेबी प्लांट निकला हुआ था और वो देखने में बेहद खूबसूरत और अट्रैक्टिव लग रहा था, लेकिन जो इसका मदर प्लांट था वो काफ़ी हैवी होने के कारण इतना अट्रैक्शन नहीं दे रहा था। तो मैंने ट्रायल पर्पज़ के लिए, उस समय मेरे पास कैक्टस के कलेक्शन भी इतने अधिक नहीं थे, तो मैंने सोचा क्यों ना इसको अपने गार्डन में ऐड किया जाए। तो मैंने इसका एक छोटा सा बेबी प्लांट निकाल के अपने साथ ले आया और इसके लिए एक बहुत ही अच्छी सॉइल मिक्सचर तैयार किया, जिसमें मैंने 50% रिवर सैंड रखी, 30% गार्डन सॉइल, 10% गोबर की सड़ी हुई खाद और 5% हो गया एक्शेल और 5% हो गया जो कोयला, लकड़ियाँ जलाते हैं उसका जो कोयला बचता है, उसको सभी को अच्छे तरीके से मिक्स किया और उसमें लगा के एक छांव वाली जगह में रख दिया कुछ दिनों के लिए। और समय कुछ जब भी देखता कि उसका मिट्टी सूख रही तो उसमें पानी दे दिया करता था। कुछ समय तक तो ये बहुत ही, मतलब इसकी ग्रोथ बिल्कुल ना के बराबर थी और मुझे लगा कि सर्वाइव भी नहीं कर पाएगा। और लेकिन कुछ समय बाद जब मैंने इसकी ब्यूटी को देखा, ध्यान से देखा, ध्यान दिया इस पर, तो मुझे अच्छा लगने लगा और काफ़ी मेरा फेवरेट पौधा बन गया। और देखिए, इस वीडियो के माध्यम से मैं इस पौधे का हर एंगल आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ ताकि आप भी देख सकें, समझ सकें इसकी ब्यूटी देखने में खूबसूरत है। क्योंकि शुरुआती तौर पर तो ये पौधा इतना अट्रैक्शन नहीं देता है और नॉर्मल सा देसी वैरायटी का कैक्टस सा महसूस होता है, लेकिन बाद में जब ये थोड़ा सा हाइट और थोड़ा सा मीन्स जब आप इसको प्रॉपर न्यूट्रिशन और पानी वगैरह देंगे तो फिर ये जब ये अच्छी ग्रोथ ले लेता है तब भी अपना अट्रैक्शन निकालता है अच्छे से, मतलब अट्रैक्शन इसका निखर के आता है। देखिए, आप भी देखिए, मैंने हर एंगल से वीडियो लिया है ताकि आपको इसकी खूबसूरती दिखा सकूँ। और मैं चाहूँगा कि आप सभी लोग भी इस कैक्टस की प्रजाति को अपने गार्डन में ऐड करें, क्योंकि ये बेहद देखने में खूबसूरत हार्डी नेचर का और हार्डी लुक देता है। मेन बात तो ये हार्डी लुक देता है बिना किसी केयर के। आप बस ला के लगा दीजिए, कोने में रख दीजिए, वो सालों साल बिना किसी डिमांड, किसी रिक्वायरमेंट के अच्छा चलता है। और हालांकि मैंने भी यही किया, स्टार्टिंग में तो मैंने इसको ला के लगा दिया स्टॉक स्टॉक में और उसके बाद लगाने के बाद छोड़ दिया, भूल गया, इग्नोर कर दिया। लेकिन जब लगभग 1-1.5 साल के बाद जब मेरी नज़र इस पर पड़ी तो मुझे ये बेहद अट्रैक्टिव और खूबसूरत लगा। तब मुझे इसकी ब्यूटी का एहसास हुआ कि मैंने इसको इग्नोर किया, लेकिन इसने मेरा हमेशा साथ दिया और आज तक ये मेरे साथ बना हुआ है बिना किसी दिक्कत के। ये देखिए, इसमें पैटर्न देखिए, कर्व टाइप पैटर्न बने हुए हैं। हालांकि अब मुझे महसूस हो रहा है कि ये जो इसका पॉट जिसमें लगा हुआ है काफ़ी छोटा है इसके लिए, क्योंकि 3 साल के आसपास हो गया और मैंने इसे रिपोर्टिंग भी नहीं किया आज तक। और थोड़ा सा मुरझाया सा एहसास हो रहा है मुझे हल्का सा, कि इसमें न्यूट्रिशन की कमी हो सकती है। तो इसके लिए मैं कुछ समय बाद इसकी रिपोर्टिंग ज़रूर करूँगा, क्योंकि अभी तो फ़िलहाल मेरे पास इसके साइज़ का गमला नहीं है तो जो इसके मुताबिक इसकी हाइट को झेल सके, क्योंकि नॉर्मल छोटा गमला रखने से क्या है, ऊपर हाइट होने के कारण ये पलट जाता है। दिस कैक्टस स्पीशीज़ इज़ नेटिव टू साउथ अमेरिका एंड कैन बी फाउंड इन रीजन्स ऑफ पेरू, कोलंबिया एंड ब्राज़ील। इट टिपिकली ग्रोज टू हाइट ऑफ 10 to 30 feet और 3 से 9 meter हाइट कह लीजिए, और इट हैज़ अ डायमीटर ऑफ 6 to 10 inches और 15 to 25 centimeter का आप डायमीटर कह लीजिए। द स्टेम इज़ रिब्ड एंड ग्रीन विथ अ स्मूथ सर्फेस एंड शार्प स्पाइंस।
कांटे देखिए आप इसके कितने ख़तरनाक हैं। और हालांकि एक चीज़ और मैं शेयर करना भूला जा रहा हूँ आपके लोगों के साथ, ये देखिए कुछ समय पहले ही मैंने ऑब्जर्व किया था कि इस पर थोड़ा सा ब्रांच रॉट या रूट रॉट कह लीजिए हुआ है। रूट रॉट कहना तो गलत होगा क्योंकि रूट तो नीचे होंगी इसकी, ब्रांच ही कह लीजिए, अधिक पानी कारण इसमें शायद से फंगस लग गया है। हालांकि मैंने इसमें कभी पानी ज़्यादा दिया नहीं, लेकिन क्या पता काफ़ी दिनों से लगा है, रिपोर्ट भी नहीं हुई और इसकी गुड़ाई करना भी मुश्किल होता है, तो उस कारण इसकी मिट्टी ऊपर से जम ठोस सी हो गई होगी, तो उस कारण मेरी नज़र पड़ी तो मैंने तुरंत इस पर पानी देना बंद किया और इसमें फंजीसाइड पाउडर जो होता है उसको अप्लाई किया। हालांकि अब तो इसकी कंडीशन ठीक है और इसमें पिलपिला पनसा भी महसूस नहीं हो रहा है और काफ़ी ठीक हो गया है। तो कुछ दिन बाद मैं इसकी रिपोर्टिंग करूँगा और इसका वीडियो भी कोशिश करूँगा आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँ। द प्लांट इज़ नोन फॉर इट्स लार्ज वाइट फ्लावर्स दैट ब्लूम्स एट नाइट एंड आर हाईली फ्रेग्रेंट, जो उसके फूल होते हैं काफ़ी बड़े साइज़ के होते हैं और बहुत ही खुशबू देते हैं रात में। हालांकि 3 साल का पौधा मेरा हो गया लेकिन इसमें अभी तक कोई ब्लूमिंग और फ्रूटिंग नहीं हुई है। और द फ्लावर कैन ग्रो अप टू 8 inches 20 centimeter इन डायामीटर एंड अट्रैक्ट अ वैरायटी ऑफ पॉलिनेटर्स सच एज बैट्स एंड मॉथ। द फ्रूट ऑफ द कैक्टस इज एडिबल एंड रिजेंबल अ लार्ज एप्पल, हैंस द कॉमन नेम पेरूवियन एप्पल कैक्टस। सेरेस रिपेंडस इज अ हार्डी एंड अडेप्टेबल प्लांट दैट कैन टॉलरेट अ रेंज ऑफ टेम्परेचर्स एंड ग्रोइंग कंडीशंस। इट इज़ कॉमनली यूज एज एन ऑर्नामेंटल प्लांट इन गार्डन्स एंड लैंडस्केप्स एंड इज ऑल्सो कल्टिवेटेड फॉर इट्स फ्रूट्स। आशा करता हूँ कि आप सभी ने मेरे इस वीडियो का लुत्फ़ उठाया होगा और आपके मन में जो भी कुछ डाउट वगैरह या फिर कुछ क्वेरीज़ हों तो आप मुझे कमेंट के थ्रू मैसेज कर सकते हैं, मैं ज़रूर कोशिश करूँगा रिप्लाई करने की। और अगर आप किसी को इसकी बेबी प्लांट चाहिए, हालांकि ये भी तो मेरे पास इसका बेबी प्लांट नहीं है, लेकिन जब भी होगा तो मैं आप लोगों के लिए ज़रूर मल्टीप्लाई करके रखूँगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।